हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, भाई बोलिए, बताइए। हाँ सर ये यूट्यूब पे देखा था आपका मैंने। सर वो फ्लैश वाले पे लोन लिया था एक, तो उसकी हाँ पेमेंट कर दी 500 करके, 3-4 पेमेंट की, फिर से वो मांग रहे हैं कि पेमेंट दी जाए आपकी, तो ये देख रहा था कि आप इसके बारे में कुछ देखिए, आपको जानना बता देना चाह रहे चाहता थे। हूँ कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्लैश वैलेट। जी सर, हाँ, तो यदि उसका रिपेमेंट कीजिएगा तो वो लोग आपको हरासमेंट करेगा, समझ गए ना? जी, इसीलिए रिपेमेंट नहीं किया जाता है। वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, ठीक है, जी सर, तो सर री क्या करना होगा उसके लिए इसमें? आप मेरे पास डिटेल भेज दीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर। इसका रिपेमेंट नहीं ना किए थे? हाँ, रिपेमेंट कर दिया सर 1500। तो इसीलिए ना रिपेमेंट के बाद भी ये लोग कॉल मैसेज करता है। हाँ, सर 2500 कर दिया जी, हाँ काफी हाँ कम हाँ हाँ है। हाँ 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 तो वही है कि आप मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर भेज दीजिए, ठीक है। जी बाकी का सर, आपका काम मतलब कि हो जाएगा, ठीक है ना? तो सर कितना इसका फीस वगैरह लगेगा कुछ? इसका तो आपको फीस लगेगा 2450 रुपये लगता है फ्रॉड एप्लीकेशन का। जी सर, ठीक है ना? ठीक है, बताइएगा। ठीक है ठीक है सर, देखते हैं आप। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। वीडियो का आप लोग कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है। चलिए कॉल लगाते हैं भाई। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ भाई, आप? हाँ भैया, बोलिए बताइए। बोला भैया मेरा तो कुछ शो नहीं कर रहा, जो ये मेरा है अलग। आपका थोड़ी ना है भैया, हम बोले हैं आपका है, आपका नहीं है। आप नहीं बोलेंगे कि किसी और का है तो भेजो, मेरे में था, भेज दिया पर। ओ नहीं, तो वही। हाँ, ना तो आपका नहीं है ये, समझ गया ना? तो भैया कितना टाइम लगता है क्या चीज़? मेरा डाटा रिमूव होने में? आपका 1.5 घंटा लग जाएगा टाइम, अभी करवाइएगा तो। 1.5 घंटा? अच्छा बोल रहा हूँ भैया, ये जो फोन का जो एक्सेस मांगता है, मतलब फोटोज, कॉन्टेक्ट्स, ये सब का मतलब कुछ लोचा तो नहीं होगा ना बाद में फिर? ना, ये सब रिमूव हो जाएगा, समझ गए? हाँ, हो जाएगा आपका काम। मतलब वो क्या, मतलब सारा डाटा उनके उनके पास मतलब चला गया होगा अभी तक, उनके पास तो डाटा तो भाई चला ही जाता है, समझ गए ना? जो मतलब फोटोज हो गया सब, मतलब गैलरी का, कॉन्टेक्ट्स हो गया, इजीली इतना इजी है हैक करना भैया नहीं, इजी है भाई, एक्सेस? तभी तो उनके पास जाता है ना। वो लोग हैकर है भाई, उनका काम है हैक करना, कॉन्टेक्ट लिस्ट सारा चीज़ चला जाता है, समझ गए हैं? अच्छा ठीक है भैया, तो हम भैया पेमेंट कर दे रहे हैं उस पर, भैया थोड़ा कर दो ना प्लीज। ठीक है, पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, हम आपका काम करवा देते हैं, ठीक ठीक है, है, हो जाएगा ना भैया? हो जाएगा, हाँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, टेंशन वाली नहीं बात नहीं है, क्योंकि भैया ना ही मेरा पापा है ना ही मम्मी है भैया, खुद समझ सकते हैं, ही लेकिन है आपका भैया। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ठीक है भैया, ठीक है ठीक है भाई, ठीक। दोस्तों, कोई भी अपफ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हुए हैं, यदि आप लोग रिमूव करवाना चाहते हैं तो हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, समझ गया ना? आपको फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कीजिएगा, कॉल मैसेज करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही भाई, हो जाता ना भाई। हाँ भाई, आपका काम मतलब कि स्टार्ट हो चुका है ये, ठीक है, हाँ भाई, जैसे ही हो जाता है हम आपको अप टू डेट मतलब कि दे देते हैं, ओके भाई, ठीक है ना? सिरी एप्लीकेशन है अगली बार ना? ऐसा मैसेज नहीं आता ना भाई, अगली बार। ना ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद रिमूव होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, सिरी एप्लीकेशन है ना? हाँ भाई, हाँ, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा रिमूव अभी, हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, ठीक। ओके भाई, हाँ भाई, चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बोल दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। और फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है,
कितना का भी लोन हो भाई, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग रिपेमेंट कर दीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल और हरासमेंट दोबारा करेगा, आपको बता देना चाहता हूँ। पेमेंट जैसे ही कीजिएगा, कितना लोग सोचते हैं कि भाई पेमेंट कर दे पेमेंट कर दे, नहीं बोलने के बावजूद भी लोग रिपेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट करने के बाद आपको हरासमेंट करना स्टार्ट कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन, आईफोन में यहाँ पर सीरी लोन चल रहा है एंड्रॉयड में। हाँ भाई बोलिए बताइए। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको भाई? बोलिए भाई बताइए। भैया मैं प्रसाद के बारे में पूछ रहा था, पर्सनल लोन है जैसे। अच्छा, कितना का लोन है आपका? पर्सनल लोन प्रसाद का हाँ, 1 लाख का, अच्छा, हाँ तो उसके मतलब आर्बिट्रेशन की नोटिस वगैरह भेजते रहते हैं रोज, अच्छा, आपके मैसेज में या जीमेल पर या घर पर भेजते हैं बोल सकते हैं। व्हाट्सएप ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं एक रिकवरी एजेंट घर आ जाते हैं भाई, ठीक है, बजाज फिनसर्व से यदि आपका लोन है तो। हाँ, अच्छा, रिकवरी एजेंट घर पर आता है ये सबका हाँ बोलते हैं कि केस हो जाएगा और ना पेमेंट ना। करो केस वाला। नहीं होता है, केस नहीं होता, होगा आपका सिविल डाउन हो जाएगा और डिफॉल्टर कर अच्छा, देगा सब, विलफुल डिफॉल्ट रहे सब सारा जो भी है कर देगा, और उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा कहीं से, आपको दिक्कत होगा लोन लेने में, ये होता है। चलो वो तो आगे के लिए तो भैया ना मिलो, पर इस बार मतलब केस वगैरह ना हो जाए, ये ना ना, प्रॉब्लम हो केस रही नहीं है। होगा, केस तो नहीं होगा, ठीक है। रिकवरी एजेंट का थोड़ा डर है, समझ गए, घर पर आएगा सब। नहीं वो नहीं आ सकते यहाँ, गाँव आते हैं मतलब आ रही है, मेरे पास 2 दिन बाद आए हैं, हाँ, एक एक बंदा आता है, पर वो ज्यादा वीडियो बोलते वीडियो हैं बनाए हैं कि कि नहीं आया तो? नहीं, वो ऐसी बातें नहीं करते, मतलब उल्ट कुछ नहीं बोलते, वो रिक्वेस्ट ही करते हैं कि भाई साहब पेमेंट कर दो, मगर है नहीं पेमेंट भाई, होती तो मैं कर नहीं देता मगर। कितने महीना चल रहा है ये लोन? ये भैया करीबन हो गया, ये आप मानो जनवरी से पहली किस्त थी मेरी, अच्छा, एक ही किस्त मैंने पे की है और एक दो किस्त खुद एजेंट ने पे की है, तो उसके बाद तो मैंने एक किस्त के अलावा कुछ नहीं दिया। मतलब कभी तक बकाया, मतलब कि बढ़ाकर बहुत ज़्यादा ड्यूज कर दिया होगा आपका 1.5 लाख का, हाँ टू तो इन्होंने मतलब करीब मेरा 1,80,000 बना रखा है। मतलब को वहीं 2 लाख के करीब में कर दिया सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना। तो केस वोस नहीं होगा उसका, बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा, होगा अच्छा आपका ठीक है, सिविल वैसे डाउन चलो करेगा, बाकी और दिक्कत नहीं होगा। वो तो हो जाए, वैसे धमकी देते रहते हैं कि केस होगा। ना ना, धमकियों की कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसे ही बोलता है सब डराने के लिए। हाँ कभी वकील बन के कॉल करते हैं, कभी कुछ बन हाँ, के, कभी पुलिस कुछ। बनकर कॉल करेगा, कुछ नहीं होता है। हाँ, चलो भैया यही कंफर्म कर रहा था मैं, आपसे बात होगी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ठीक ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बोल दिए, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चलो कॉल करते हैं, चलिए कॉल लगाते हैं भाई, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। हाँ भाई बोलिए बताइए। हेलो, हाँ भाई, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ बोलो बोलो सर बोलो। हाँ, यही बोल अरे होगा सर रहा काम वो, था। हाँ, आपका हो गया है काम? कैसे फंस गए थे इसके चक्कर में, सीरी लोन? अरे सर क्या बताओ, अभी जस्ट मैंने जस्ट लॉग इन मारा, अपना डिटेल्स डाले और अपना अकाउंट में आ गया पैसा, मतलब ये तो पैसा इतना एप्लीकेशन दिया है, इतना फटाफट। ये तो एप्लीकेशन इतना बड़ा हो चुका है कि ये एप्लीकेशन अभी 1 महीना से रन कर रहा है, समझ गए, ऐप स्टोर पर। नहीं, अभी वही, हाँ वही वही वही, एक्चुअली मैंने जो सर्च किया सबसे पहले नाम इसका ही आया, तो चीज सुन के तो किसको भी लगेगा अभी ना मैं तो, अच्छा जेन्युइन लगा। अभी आप सर्च करिएगा तो बहुत सारा फ्रॉड एप्लीकेशन, फास्ट पैसा, यही सब आ रहा है सब, लोन सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर। नहीं सर अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हो गया मेरा काम, मतलब हाँ, आपका हो गया है काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली रिपेमेंट का दिन मेरा कल का है, ना ना, मतलब रिपेमेंट तो कॉल बिल्कुल मैसेज भी आया नहीं नहीं, करना नहीं है, रिपेमेंट नहीं करना है वो। रिपेमेंट तो मैं करेगा भी नहीं, तो आपने जैसा बोला अनइंस्टॉल, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया ऐप, ठीक है, तो उसके बाद हाँ। मुझे अभी कॉल मैसेज आएगा कि नहीं आएगा क्या, ना ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। नहीं वैसा मेरे को ना, अगर आएगा तो फिर मेरे को कुछ आगे प्रोसीजर वगैरह देगा तो आप बता सकते हो, मतलब ना वैसा ना, कुछ आगे है तो कुछ। कोई प्रोसेस हुआ है नहीं, आपका जो भी था डेटा का वहाँ पर खेल था, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया, नॉर्मल मैसेज हो गया, उसी पर नहीं लोग धमकी देगा ना। नहीं सर पे करने के लिए कुछ इश्यू नहीं है, पर मैंने अभी जस्ट रीड किया ना, तो लोग बोलते हैं कि मतलब इतना पे करने के बाद वापस बोलते हैं, पे करने के लिए वापस हाँ, बोलते हैं, पे करने के लिए, पे तो फिर पे वो कर, लूप में फंस जाएंगे ना हाँ फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लूप में आप फंस जाइएगा, वो पैसा ऐसे मांगते रहेगा तो कुछ ट्रैप में। मतलब भी नहीं है, हाँ तो ऊपर से और रिलेटिव्स को भी मैसेज कॉल करेंगे ये करेंगे, तो कुछ फायदा नहीं है उसमें, तो इसलिए मतलब आपको पूछा मैंने, मतलब क्या है ना, क्या कोई नहीं है। दिक्कत नहीं, ठीक आपका हो गया है काम, ठीक है। है सर देखते हैं अभी, मतलब अभी तो कुछ कॉल वगैरह तो नहीं, पर देखते हैं, आपको वैसे करता एक हूँ दिन मैसेज पहले ही कॉल कॉल वगैरह। करना स्टार्ट कर देता है सब, समझ गए।
अच्छा ओके ओके ओके, हाँ एक दिन पक्का हो पहले गया ही। मेरा हाँ अभी? ठीक आपका हो गया है काम? है, कुछ सर जी कुछ प्रूफ वगैरह मतलब ऐसा डाटा हाँ जैसे मतलब? हाँ भेजते हैं आपको प्रूफ, हम भेज देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बोल दिए। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। चलिए भाई। हेलो। हाँ भाई, बोल रहे थे कि आपका मेन एप्लीकेशन से हो गया है, ठीक है? हाँ जी, हाँ, तो अभी फिर नए नंबर से कॉल आ रहा था, उनका मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ब्लॉक कर दीजिए उसको, ठीक है? अब देखिए, रिपेमेंट इसका पहले कर दिए थे ना? एक बार जब पहले लोन लिया था वो मैंने रीपेमेंट कर दिया था, बट ऑटोमेटिकली उन्होंने दोबारा फिर लोन दे दिया और वो मेरे अकाउंट में भी नहीं आया। हाँ, वो अकाउंट आप में नहीं आया तो अच्छा, मैंने आप उन्हें कॉल में किया। दोबारा वो लोन प्रोवाइड किया, प्रोसेस किया, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया? हाँ जी, मैंने नहीं, मैंने प्रोसेस भी नहीं किया था दोबारा, नहीं, वो लोग मैंने दोबारा डाल ऑटोमेटिक देते हैं, पेमेंट कर जबरदस्ती दिया। दोबारा डाल देते हैं वो लोग पैसा अकाउंट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो मेरे अकाउंट में भी नहीं आया। लेकिन शो कर रहा है वहाँ पर। हाँ जी, वहाँ पे तो शो कर रहा था, ना, अब तो तो कोई मैंने दिक्कत नहीं उनको होगी बोला था। आपका। हाँ जी, तो हाँ। वैसे अभी उन्होंने मेरी फोटो व्हाट्सएप की थी मेरी, अभी कुछ कॉन्टैक्ट उनका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप किया था। कितना कॉन्टेक्ट लिस्ट भेजा था आप पर? कॉन्टैक्ट तो काफ़ी है अननोन, मैंने ना उसी दिन से ही मैंने ना अपना जीमेल आईडी फोन से रिमूव कर दिया था, जो इसमें कॉन्टैक्ट नेम लिखे थे सभी मैंने रिमूव कर दिया, अभी अननोन ही है सभी कॉन्टैक्ट मेरे। तो वैसे सारे एक्सेस मैंने बंद किए हुए थे, जो पहले डाटा गया चला वही था उनके पास। तो अभी देखते हैं, अभी वैसे अभी कॉल तो आ रही है, अभी कुछ अभी ऐसा किसी कॉन्टैक्ट किसी मेरे रिलेटिव ने कुछ कहा नहीं कि किस उनको कोई ऐसी आई हो कॉल या कुछ मेरी फोटो आई हो। तो ये ऐसे करते हैं ना, एक तो मेरी तो चलो फोटो कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो बोलते हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट है ना उनकी डीपी है उनको भी करेंगे। यही डर लगता है वैसे, अपना तो चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सबको समझा सकते हैं ना कि मेरा तो ऐसे स्कैम हो गया, अगर दूसरे का करता है तो फिर वो बोलता है तेरी वजह से मेरा भी हो रहा है। सही बात है, सही बात है। दूसरे को भी हाँ कीजिएगा तो वो सब मतलब की दिक्कत होती है। सही बात बोला आपने। तो अभी चलो आपने कर दिया तो अभी देखते हैं अभी क्या बनता है आगे। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको ब्लॉक कर दिए थे ना आप? हाँ, उसको तो ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, वो नए नंबरों से कर देते हैं ना, एक को ब्लॉक करो नए से कर देते हैं। हाँ, सारा वेबसाइट कॉलिंग रहती है ना, जनरेटेड वेबसाइट कॉलिंग रहती है। कितना बार भी ब्लॉक कीजिएगा तो अलग अलग नंबर से मतलब कि आती रहती है। हाँ जी, थैंक यू आपका। वैसे मैंने यूट्यूब पे पहले भी कई वीडियो देखी थी, सब्सक्राइब भी किया मैंने, तो थैंक यू अगर आपने इतनी हेल्प कर दी तो, क्योंकि मेरे पास ना यही पेमेंट थी, मैंने सोचा इनको देने की बजाय और भी फंसूंगा तो आपको देता था वो ना, आपने तो हेल्प कर ही देनी है। मैंने फ्रेंड से अरेंज की थी, तो मैंने इनको पे करने से पहले मैंने कल सोचा कि सोल्यूशन देखता हूँ यूट्यूब में, आपकी वीडियो पहले भी देखी थी तो अभी देखी, तो फिर आपने मेरे रिपेमेंट को। इनका बिल्कुल भी नहीं करना होता है, समझ गए? जो 7 दिन वाला, हाँ जी, देखिए, मान लीजिए कभी भी फ्यूचर में हाँ कभी भी जी, मान लीजिए आप लोन लेने गए, अब मान लीजिए कभी फंस गए, 7 दिन वाला एप्लीकेशन, 7 दिन में पैसा कोई भी मांग रहा है उसका पैसा देना ही नहीं है भाई, बिल्कुल। अभी वैसे सोच लिया फ्यूचर में ऑनलाइन पेमेंट तो कभी किसी ऐप से नहीं लेंगे, पहले वैसे मनी व्यू क्रेडिट भी इनसे लिया था, ये लीगल थे ना, इनका कोई दिक्कत नहीं आया, तो फिर ऐसे ही हम चलते गए, चलो फिर और भी एप्लीकेशन ट्राई कर ली, तो ऐसे ही फंस गए बस इस स्कैम में। अरे, बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा है, समझ गया ना? बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा है। अभी काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो अभी आपसे बात हुई अभी थोड़ा माइंड रिलैक्स लग रहा है, सुबह से मेरा जमा भी कुछ खाने पीने को नहीं मन कर रहा था, तो भी रिलैक्स लग रहा है अभी, वो भी डर नहीं है कोई फोटो वायरल हो जाएगी तो कोई बात नहीं, चलो। ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, आपका हो चुका है ना काम, कोई दिक्कत, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने कर दिया तो थैंक यू सर, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल, आपका। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक। थैंक यू सर।
चलिए दोस्तों, बात विचार हो गई, इनको बोल दिए, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए कॉल लगाते हैं। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई, बताइए। जी, आपका वही मैंने वीडियो देखा था, मैंने फेवरेट को है, आपने सुना होगा। तो उससे फर्स्ट टाइम पे, मतलब अभी 3-4 दिन पहले की बात है, समझ लीजिए आप, कि मैंने उस मतलब रजिस्टर किया, पैन वगैरह डाला और लोन के लिए अप्लाई किया था। बट मैंने कंटिन्यू नहीं किया और नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में 4,200 रुपीज आ गए। तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से, मतलब क्या है ये। फिर मैंने वो ऐप खोल के देखा तो उस पे रीपेमेंट 6,400 बता रहा। तो अब उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, मेरे मुनी को मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि कंपनी पॉलिसी है 40% ये होता है, ऐसे ऐसे है ना। बट फर्स्ट टाइम मैंने फिर रीपे भी कर दिया था 6,400, तो पता ही नहीं अपने आप फिर से मेरे अकाउंट में 4,700 आ गए। ये उसमें ऐसा कोई रहता है कि पता नहीं क्या, कि अपने आप ही आ जाते हैं पे करने के बाद भी। अब वो 7,700 मांग रहे हैं, मैंने सर्च किया कि कैसा क्या है, तो वही आप चैनल पर देखा, तो फिर वही देख थोड़ा डर गया कि ये ऑनलाइन मतलब ऐसे न्यूड फोटोज एंड ऑल, कि फैमिलीज को कॉल जाता है, ये जाता है। तो होता है, ऐप तो इंस्टॉल किया और आपने कहा था कि अब रिपेमेंट मत करना, तो मैंने कहा कि आपको कॉन्टेक्ट करूँ, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। वही है कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए हैं। हाँ, वो आपको मैंने ऐप वीडियो देखा था, आपने इसमें समझाया था, तो अब क्या करना चाहिए मुझे जी? वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, समझ गया ना। हम डेटा रिमूव करवाते हैं भाई फ्रॉड एप्लीकेशन से, समझ गए हैं। ओके, हाँ जी, समझ गए। वो चीज़ हो जाने के बाद कोई भी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल मैसेज नहीं जाता है भाई, ओके, तो कैसे करना क्योंकि है बताएंगे? आप मेरे पास डिटेल भेज दीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। हाँ, चार्ज है 2,450 रुपया डेटा रिमूव पर भाई, फ्रॉड एप्लीकेशन से। 2,250 के बाद मतलब कंफर्म है कुछ नहीं होगा? 100% कंफर्म है, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा भाई। मेरा वीडियो देखे होंगे तो वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मैं डेटा रिमूव करवाता हूँ, समझ गए, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन जी, से। हाँ हाँ देखिए क्या होता है ना, कि रिपेमेंट भी कर दीजिएगा ना, तब पर भी आपको ब्लैकमेल हरासमेंट करेगा भाई, समझ गए। हाँ वो बिल्कुल होता है ना। तो हाँ आपको मतलब पैन कार्ड, आधार और रजिस्टर, जिस नंबर से रजिस्टर्ड है वो? बिल्कुल, रजिस्टर नंबर भेजिएगा ओके मेरे ओके, पास। हाँ तो मतलब जितने भी मतलब मैंने और भी एप्स में किए थे वो सारे ऐप से क्लियर हो हाँ जाएगा? हो जाएगा। अभी इसके अलावा कितना एप्लीकेशन से आपने लोन लिया था फ्रॉड से? बाकी वो तो मतलब RBI अप्रूव्ड बैंक है, तो ना तो वो चलो उसका ऐप उसका उसका थोड़ा ना कोई दिक्कत होगा, मेन तो दिक्कत फ्रॉड एप्लीकेशन का है ना। वो तो दे दीजिएगा तो RBI। आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, नहीं दीजिएगा ख़राब हो जाएगा वो। हाँ उसका तो देना ज़रूरी है ना, वो तो NBFC है। हाँ हाँ वो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये से देखते हुए मैं थोड़ा डर गया था हाँ ये फ्रॉड है, कि ये क्या बिल्कुल कहते फ्रॉड हैं एप्लीकेशन है। कब आपने इंस्टॉल किया, आज की कल ये। नहीं, 16 तारीख समझ लीजिए आप, 16 तारीख? तो कॉल मैसेज तो कर ही रहा होगा ना अभी, कितना दिन हुआ अभी? अभी नहीं, उसका अगला ड्यू है 24 तारीख को, तो अच्छा, हाँ कॉल मैसेज कुछ आने के पहले ही मैंने इसमें सोचा कि यार पहले प्रिकॉशन ले लूँ कि फैमिलीज पे फोन जाए एंड ऑल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हो जाएगा आपका पहले काम, तो। ठीक है। आप डिटेल मेरे पास सब भेज दीजिए, या पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, हम काम चालू करवा देते हैं आपका। जी शाम तक कर रहा हूँ, चलेगा? हाँ चलेगा, कोई चलते दिक्कत नहीं, हैं, ठीक है ठीक ठीक है, है। हाँ ओके ठीक है, ओके। और हो जाएगा ना, मतलब हो वहाँ पे जाएगा कुछ देना आपका, तो नहीं पड़ेगा? ना ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनकी कॉल्स वगैरह आएंगी क्या मेरे पास ना ना में? कॉल्स वॉल्स नहीं आएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप। जी, 2,450 2,450? जी, आपको मैं शाम तक करवाता हूँ और ठीक डिटेल्स भेजता हूँ ठीक है ठीक है, ओके ठीक जी। ठीक चलिए दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कॉल लगाते हैं। हेलो हाँ भाई बोलिए, बताइए। भैया, वो लोन के रिगार्डिंग कॉल की थी ना आपको पहले, जो हाँ, कौन सा एप्लीकेशन? ट्री लोन से आए थे हाँ ये फ्रॉड ना? एप्लीकेशन है भाई, ये तो फ्रॉड एप्लीकेशन है। अच्छा, तो भैया मेरे मैं ना
डेट थी कल पे करने की 22 तारीख की, तो ये आज मतलब इन्होंने मेरे को फोटो भेज दी है ये थ्रू ना, फेस शक्ल लगा के, तो कह रहे लोन अमाउंट क्लियर करो वरना ये भेज देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर भी भेज दिए उन्होंने मेरे को मेरे। वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, बात हुआ था ना पहले आपसे। हाँ तुम ये मतलब कैसे है, तुम्हें कॉल करी जा रहा है, तो डाटा रिमूव कैसे हो जाएगा, उनके सर्वर से हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं भाई, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ इसके, अब इसने मेरे को कॉल मैसेज किए तो इसके तो सेव ही होगा नंबर इसके पास। नहीं तो आपका नंबर मान लीजिए सेव होगा, आपने मेन नंबर का इशू रहता है, लेकिन जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो लोग सर्वर से निकाल कर भेजता है, समझ गया ना, वो चीज़ हो जाएगा काम आपका, ठीक तो है। फिर ये मेरे को कॉल करते रहेंगे कॉल आपको 1 सप्ताह तक, उसके बाद नहीं, मतलब कब तक आएगा? 100% भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं, कॉल आएगा फिर मेरे को। 1 सप्ताह, 1 वीक तक। अच्छा तो इन्होंने मेरे को मेरे कॉन्टेक्ट्स भेजे, फिर वहां से कॉन्टेक्ट निकाल लेंगे फिर। ना ना, एक बार ब्लॉक कर दीजिए ना, जो व्हाट्सएप पर भेजे हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट ना, उसको ब्लॉक आप कर दीजिए, उस लोग सर्वर से निकाल कर भेजते हैं, ब्लॉक जैसे ही कीजिएगा वहाँ से संपर्क टूट जाएगा, उसके बाद वो लोग सर्वर में जाएगा, सर्वर से निकाल कर कॉन्टेक्ट भेजेगा। निकाल दिए मेरे, क्या चीज़? आपने मेरे सर्वर से कॉन्टेक्ट निकाल दिए, ठीक है, इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे भी मेरे कॉन्टेक्ट्स भेजे हैं, तो तो वहां वही से बोल निकाल रहे लेंगे हैं कि फिर ब्लॉक इन्होंने। कर दीजिए वहाँ से, वहाँ से ब्लॉक, वेबसाइट जनरेटेड व्हाट्सएप नंबर होता है इनका, समझ गए हैं। अच्छा लोग डरता क्यों है कॉन्टेक्ट लिस्ट से, थोड़ी ना मेन नंबर पर आएगा तो कोई भी संभाल लेगा, उनको ज़रूरत क्या पड़ेगी, है कि नहीं? हाँ मेन नंबर पर आएगा तो कोई भी गाली देगा भाई इधर से, लेकिन गाली आदमी इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो लोग के पास डिटेल पड़ा हुआ है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर देगा, गाली गलौज करना स्टार्ट कर देगा, न्यूड पिक्चर भेजेगा, तो आदमी डर जाता है। क्योंकि मैं तो भी अभी साइबर ब्रांच भी हुआ हूँ, वो भी कह रहे हैं ऑनलाइन कंप्लेंट आ गई। तो डाल दिए हैं। नहीं अभी तो नहीं, अभी आए हैं जस्ट इनकी कॉल ही आ रही फिर बताना। साइबर के पास तभी कंप्लेंट डाल सकते हैं, वो लोग बोलता है जब आप पैसा उनको दे दिया है, समझ गए हैं? अच्छा हाँ, पैसा दे दिया है और तब पर भी वो लोग हरासमेंट कर रहे, तब आप लोग कंप्लेंट डालेंगे तो वो चीज़ रहता है, वो लोग बस कंप्लेंट एक्सेप्ट होता है, ऐसे नहीं एक्सेप्ट होता है। तो जैसे अगर मैंने पे कर दूंगा फिर दिक्कत आएगी, हाँ, फिर से कॉल करेगा आपको। मतलब फिर क्यों करेंगे मेरे को कॉल? क्यों करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा, फ्रॉड एप्लीकेशन है और क्या। नहीं नहीं भैया, मैं वैसे आपसे एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ नहीं, ना। फ्रॉड एप्लीकेशन है भाई, इसलिए कॉल करेगा आपको दोबारा पैसे मांगने के लिए, ये लोग का यही काम ही रहता है। तो मतलब दोबारा कौन से पैसे मांगे यार, 75 रुपये के डन हो जाएगा। बोलेगा कि आपका पैसा आया ही नहीं है, पैसा पे करो नहीं तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, फिर से वही चीज़ बोलेगा जैसे अभी बोलेगा। तो ये मेरे कांटेक्ट में भी है, वैसे क्या करेगा, बस फोटो ही भेजेगा ना मेरी, हाँ, वही फोटो गाली गलौज करेगा और क्या करेगा, बस और कुछ तो नहीं। ना और कुछ नहीं। तो भैया जैसे अगर आपसे कराना सर्वर रिमूव, तो ये पूरा लोन रिमूव नहीं हो जाएगा 5 करोड़? फाइल क्लोज नहीं ना होता है, हम लोग का काम है सिर्फ जो आपका डाटा है किया वो चीज़ निकालने का, फाइल क्लोज तो उसके कैसे क्या होगा? चार्जेस बता रहे थे आप? 2450 रुपया। भैया एक बार मेरे को किसी और का प्रूफ भेज दोगे, ऐसे कैसे होता है? ठीक है, भेज देंगे आप, और देखते हैं मोबाइल में पड़ा होता है, आपको भेज देते हैं। हाँ किसी और का भेज दो एक बार, मैं देख के ना फिर आपको मैं बताया तो क्या ठीक करना है है। ठीक है ठीक है, ओके ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए कॉल लगाते हैं भाई। हाँ बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। हाँ वो एक्चुअली ये श्री लोन ऐप जो है, मैंने उसमें अप्लाई करा था लोन के लिए, और मेरे पास तो कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग, लेकिन उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट का एक्सेस ले लिया है, और जो भी पिक्चर है मतलब तो उस केवाईसी के टाइम पे जो फोटो डाले थे उसको कुछ भी उल्टा सीधा लाइक लिख के बोल रहे हैं कि हम ये शेयर करते हैं, आप रीपे नहीं करोगे, तो मेरे पास तो कोई लोन रिसीव ही नहीं हुआ जो मैं उनसे लाइक रीपे करूँ। हाँ तो इस केस में ये मेरी डिटेल मास में अकाउंट डिलीट ही नहीं हो रहा है, और कांटेक्ट का एक्सेस है उनके पास मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स ऑफिस के हिसाब से, ये वहाँ पे फ्रॉड काम कर रही एप्लीकेशन है, जो सीरी एप्लीकेशन है ना, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। जी। तो वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट वो लोग हैक करता है ना, तो वही कॉन्टेक्ट लिस्ट हम लोग रिमूव करवाते हैं। ठीक है, तो आप भी कांटेक्ट कितनी देर में रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मुझे बैक टू बैक कॉल कर रही है सुबह से। 1.5 घंटा आपको टाइम लगेगा रिमूव करने के लिए, 1 घंटा 30 मिनट।
1 घंटा 30 मिनट हाँ मैं उससे बोल दूँ कि 1 घंटा 30 मिनट बाद में पेमेंट कर दूंगी, क्योंकि वो ना मुझे कॉल पे कॉल कर रही है, नहीं तो कह रही है कि मैं आपके कॉन्टेक्ट में सारी फोटोज एंड ऑल शेयर कर दूंगी। तो डिटेल मेरे पास आप भेजिए, पैन कार्ड एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर। चार्जेज 2450 रुपये लगता है। 2450 रुपये। ठीक है मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है ठीक है, UPID सारा चीज़ मेंशन होगा उस पर, फोटो एडिट कर सब। चलिए भाई देखते हैं वीडियो कंप्लीट, देखिए कॉल लगाते हैं। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। इसका रिपेमेंट करने से बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, समझ गया ना। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, यदि आप रिपेमेंट कर दीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए भाई कॉल लगाते हैं। कट हो गया भाई। हेलो हाँ भाई बोलिए, बताइए। जिम्पल टेक। हाँ हाँ वही बोल रहे हैं भाई, बोलिए। हाँ जय माता जी। जय माता दी। हेलो सर। हाँ भाई बोलिए। हाँ थोड़ी गुजराती जो। हाँ हाँ बोलिए। तो हमारा थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो मैं लोन मार्ट अप्लाई करी थी, खबर थ्री लोन ऐप मार्ट। तो पहला तो 10,000 बताया अमाउंट, और ये आया किला 3,000 बताया भाई। 3 में थी अमाउंट आयु किलो 1770 आयु आपना, ना ना आपको पैसा रिपेमेंट नहीं करना है, रिपेमेंट नहीं करना है भाई, नहीं करना है ना। ना ना रिपेमेंट नहीं करना। आपका आपका वीडियो देखा तो मैं मुझे लगा अच्छा भाई है तो उससे बात कर लेता हूँ, इसलिए कॉल किया। तो रिपेमेंट ना करूँ ना? सर दूसरी बात, सर मेरा सिविल स्कोर ज्यादा है तो उस पर तो कोई मारना ही पड़ेगा ना। कोई मार नहीं पड़ेगा भाई, सिर्फ फ्रॉड एप्लीकेशन है। हाँ हाँ इसलिए तो 3 दिखा रहा है, और आया कितना 1700 रुपये ही आया था। हाँ तो ओके सर, इसलिए कॉल किया था। और दूसरी बात सर, आपको कितना पेमेंट करना है डेटा रिमूव का? हाँ क्या चीज इसका आपका चार्ज कितना करना है? वही है कि मतलब कि बात विचार करने का 100 मतलब कि लेते हैं हम, वही है इन्फॉर्मेशन के तो लिए। मुझे हाँ कोई बात नहीं, QR कोड भेज देना और मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है भाई ठीक है। और दूसरी बार जरूर पड़ेगी ना कॉल करूँगा। ओके भाई ओके, जब भी कभी भी कॉल कर सकते हैं आप। हाँ क्या नाम बताया आपने? नाम अपना? मेरा नाम है अनुराग सिंह नाम है, टेक्निकल जी पर। कहाँ से आप? हम बिहार से हैं भाई। हाँ बिहार से। ओके भाई, और QR कोड सेंड कर देना। ठीक है भाई सेंड कर देते हैं हम आपको। थैंक यू। ठीक है भाई ठीक, ओके जय माता दी बच्चा। चलिए दोस्तों बात विचार हो गया कंप्लीट, आप लोग देखिए चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। ठीक है चलिए भाई कॉल लगाते हैं। कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं कॉल लगता है कि नहीं। कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको नहीं करना है, समझ गए हैं। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन हो आपको रिपेमेंट नहीं करना है। यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल एंड हरासमेंट करेगा भाई, समझ गए ना। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है उनका आपको रिपेमेंट नहीं करना है। रिपेमेंट करने के बाद होगा क्या, आपको ब्लैकमेल एंड हरासमेंट मतलब कि किया जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, इसीलिए आपको रिपेमेंट नहीं करना है कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का। ठीक है चलिए भाई। हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर हेलो। बोलिए भाई बताइए, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ भाई बोल रहा हूँ, जो वो जो श्री लोन ऐप है उसमें मैं अप्लाई किया था। ठीक है। हाँ 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 आज ही किया था, मतलब अप्रूव मतलब अभी पेंडिंग दिखा रहा है, अप्रूवल मतलब हो चुका है, अप्रूव अकाउंट में पैसा आने वाला है, उसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, हो ही नहीं रहा यार। तो सर इसको क्या कर सकते हैं, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। वही है भाई कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, कैंसिल तो होता नहीं है भाई, समझ गया ना।
हाँ सर वही मतलब क्या बोलूँ तो कैंसिल मतलब डिलीट अकाउंट करना चाहता हूँ, हो भी नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा ना, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। एक बार मतलब अप्लाई कर दिए हैं तो उनके पास डेटा सबमिट हो जाता है, समझ गए, कॉन्टेक्ट लिस्ट सारा चीज़ तो आ गया है क्या अकाउंट में, पैसा अभी नहीं आया ना प्रोसेस नहीं में। सर अभी तक। हाँ अच्छा, वो देखिए कब अप्लाई किए थे, कितने बजे आज? आज सुबह नहीं हाँ तो आ जाएगा रात तक, चाहे कल ग्यारह तक, तो कल तक पैसा, चाहे रात तक पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में। सर इसका मैं कैंसिल करना चाहता हूँ तो सर, कैंसिल होगा ही नहीं भाई, ये तो फ्रॉड सर अब है। क्या। ये लोग ट्रेप, ये लोग तो कहाँ से मतलब कि ट्रेप बनाता है कि कैसे ना कैसे आदमी इनके पिंजड़े में आ जाए, तो कैंसिल करने देगा है कि नहीं? हाँ सर वो तो है, बट सर अब क्या करें सर। अब वही है भाई कि इनके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट तो चला गया होगा, तो वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं भाई। तो सर हो जाएगा हो जाएगा, आ जाने दीजिए, पैसा आ जाएगा तो आपका हो जाएगा काम। सर, अभी मतलब कुछ देर पहले मतलब 1800 अकाउंट में आया है, ठीक है सर, बट आ गया मतलब है मैं पैसा, नहीं सर मैं पता नहीं कहाँ से आया, बट उसमें अभी दिखा रहा है जब तक नहीं आया है उसमें उसी में से आया होगा 1800, क्योंकि लोग 1800, 1800 1700 ऐसे ही पैसा दे रहा है सबको। क्योंकि सर मैं मैंने 4000 किया था तो नेट उसमें मतलब शो कर रहा है उसमें नेट बैंकिंग में जो जाकर देखिए, बताएगा वो। नेट बैंकिंग में पता नहीं सर, तो वही 1800 शो कर रहा है अभी, मतलब और एक दो जन बोला था पैसा भेजेगा तो शायद से वो भी हो सकता है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ जो कहाँ से आया पैसा, हिस्ट्री में भी शो नहीं कर रहा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में शो कर रहा है। नहीं तो पैसा उसी की तरफ से आया 1800, समझ गए हैं, हाँ सर क्योंकि 1750 1790 वही दे रहा है, समझ गया ना, 1800 दे रहा, वही दे रहा है पैसा, ऐसा ही 9000, 9000 तो नहीं, 1900 2200 यही सब दे रहा है पैसा वो, और उसे डबल पैसा मांग रहा है, समझ गया, 3-4 हज़ार। हाँ सर वही 4000 मतलब ऐसे अप्रूव मतलब ये कि अप्लाई किया था तो उसमें शो कर रहा है जो कितना 2500 समथिंग कुछ, तो मैं उसको कैंसिल करना चाहता था तो हो ही नहीं रहा, अभी नहीं कुछ देर होगा, 2 मिनट पहले, दो तीन कैंसिल मिनट होगा पहले ही ऐसे नहीं। अकाउंट में आया, तो होगा ही नहीं कैंसिल, सर क्या करूँ अभी सर, तो वही है कि हम आप लोग ही रिमूव बताओ। करवाते हैं डेटा, समझ गए हैं, हाँ सर रिमूव करवाना होगा तो बोलिएगा, हम करा देंगे, पैन कार्ड और रजिस्टर मोबाइल नंबर लगेगा। सर फैमिली से पैसा भी लगता है, हाँ भाई चार्ज लगता है, 2450 कितना सर, रुपया 2450 सर, वीडियो सर भी कम नहीं होगा सर। सर हो जाएगा काम, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन आपने देखा होगा वीडियो में, जो वीडियो में बोलते हैं वो बात कॉल पर भी वही बोलते हैं चार्ज। हाँ सर वही देख के सर कॉल किया मैं अभी, तो सर थोड़ा कम करके बता दीजिए, हो ऐसे जाएगा आपका। स्टूडेंट हूँ मैं, वही सोचा कर लूँ थोड़ा, मैं कर दूंगा फिर सर। ना तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गया ना, इनका रीपेमेंट मत कीजिएगा, मान लीजिए ये सब है तो नहीं सर इसलिए सर मैं अभी कॉल किया आपको, मैसेज किया रीपेमेंट सर, करने के बाद भी ये लोग आपको ब्लैकमेल करेगा, समझ गए हैं। तो सर डाटा रिमूव हो जाएगा हंड्रेड और डाटा परसेंट आपका 100% रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए हैं। तो सर उसको सर फिर से पेमेंट करना पड़ेगा ना क्या, ना 1 रुपया नहीं देना है भाई, 1 रुपया भी नहीं। ना तो आप पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दिए हैं, ठीक है देख लीजिए, तो हाँ आप इस व्हाट्सएप पर डिटेल भेज दीजिएगा, पैन कार्ड हो गया, रजिस्टर मोबाइल नंबर, जैसे मैसेज कीजिएगा तो UPI ID सब सारा चीज़ आ जाएगा, समझ गया ना। ठीक है सर, तो कितना हाँ सर लगेगा वो तो बता दीजिए, वही 2 के करीब में कर दीजिए, हम करवा देते हैं। 2 के करीब में सर वही जो 1800 आया सर वही भेज दे रहा हूँ सर, अभी मेरे पास नहीं है ठीक इसीलिए सर कोई प्रॉब्लम है ना, है, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है, तो सर प्लीज करवा दीजिए थोड़ा सर। ठीक है तो भेज दिए, डिटेल भेज दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ओके हाँ चलिए भाई, बात विचार हो गया। बोल रहे थे कि कैसे इसके चक्कर में फंस गए थे फ्रॉड एप्लीकेशन के। सर एक्चुअली देखो मैं जस्ट लॉगिन मारा मतलब देखा मतलब एक्चुअली एक्चुअली क्या है मतलब क्या नहीं ऐप देखो सही मतलब क्या कितना लोन देता है क्या नहीं देता, जस्ट डाउनलोड किया अपना डिटेल्स डाला तो फटाक से मतलब पेमेंट आ गया मतलब आधे घंटे के अंदर, तभी मेरे को एक्चुअली मालूम पड़ गया था कि क्या मतलब क्या सीन है क्या नहीं है, तो फटाक से मैंने एक्चुअली मतलब रिव्यूज वगैरह देखा ये देखा तो उसमें आ गया था, एक्चुअली मैंने पहले रिव्यूज नहीं देखा कि ऐप डाउनलोड करने के पहले, वो मेरी गलती एक्चुअली मतलब देखना चाहिए था प्रीव्यूज देखना चाहिए था ये सब देखना चाहिए था पर देखा नहीं था, तो अभी देखा तो समझा, तो अभी फिर आपको मतलब मैंने किया अप्रोच किया कि मतलब देखो
देखो सर क्या होता है क्या नहीं, ठीक है सर आपने तो हेल्प की हमारी। बिल्कुल, तो ये फ्रॉडी सर एप्लीकेशन, अभी समझ गया ना? हाँ नहीं समझ गया समझ गया, एक्चुअली मैं समझ गया, मतलब क्योंकि पहले तो मेरे को मतलब प्रोसेस करने के पहले मेरे को दिखा रहा था कि 1 लाख तक लोन मिलेगा, फिर मेरे को दिखा 10,000, फिर दिखा 7,000, मतलब ऐसा कम 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 होते नहीं होने के लिए आ गया, और फिर दिखा कि मतलब आपका प्रोसेसिंग चार्जेस इतना इतना उतना है, और डायरेक्ट अकाउंट में भी डाल दिया वो लोग ने पैसा, मतलब ऐसा हो गया। और अभी देख रहा था 7 डेज के अंदर मतलब आपको पेमेंट करना, मतलब एक्चुअली डेट कल है, तो वही तो मैंने उसके पहले मतलब क्या क्या नहीं ढूंढा वगैरह, देखा वगैरह यूट्यूब पे आपका वीडियोस देखा, तो हेल्पफुल था मतलब एक्चुअली वो, तो फिर वही समझ गया सर जी। अभी वही अभी मैं क्या पूछ रहा था आपको, ये पूछना था कि मेरे को कुछ कॉल वगैरह तो नहीं आएगा ना अभी, क्या क्या आएगा? उसी के लिए आपको हम बताएं कि 1 सप्ताह के लिए व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है? ठीक है हाँ हाँ हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप को ठीक है अनइंस्टॉल अभी कर दीजिए, सिम वो को नहीं चालू नहीं रहने दीजिए, बाकी कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं जाएगा। ठीक है ठीक हाँ, नहीं मेरे को वही पूछना था, मैंने चलो अनइंस्टॉल कर दिया व्हाट्सएप, ठीक है, तो उसके बाद मेरे तो जो कॉन्टेक्ट मैंने शेयर की है या किए उनके हाँ। ऊपर तो उनको तो कॉल नहीं जाएगा ना? ना ना उसको कोई कॉल नहीं जाएगा, जो जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है आपको उनका हो गया। देखिए डेटा का मतलब होता क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया जो आपके हाँ मोबाइल से वही तो चुराया है, समझ गया? बाकी जो आपका मेन बराबर नंबर था उसने उस पर तो आपने लॉगिन किया ना एप्लीकेशन पर, मेन नंबर हाँ हाँ बराबर चुराया बराबर आपने, तो मतलब कि नहीं बोला कि भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट भी ले लो, हमको ब्लैकमेल करो, फोटो ले लो, ये ले लो, वो बराबर तो आपके बराबर साथ धोखाधड़ी हुआ ना, ब्लैकमेल करने हाँ के लिए बराबर हरासमेंट, बराबर तो वो बराबर सब सारा चीज़ हो गया डेटा, समझ गए? कॉन्टेक्ट लिस्ट सारा चीज़। आप एक ओके सप्ताह ओके के लिए हाँ आज ही अभी से दूसरे नंबर से मेरे पास मैसेज कीजिए, अप टू डेट दीजिएगा रोज का, ठीक है, क्या हो रहा है क्या ओके नहीं, ओके ओके ओके, दूसरे नंबर से और सर जी मैसेज मैं अभी कीजिए। व्हाट्सएप भी बंद कर दूंगा तो मेरे को कॉल आएगा क्या नॉर्मल कॉल पे? नॉर्मल कॉल पर यदि आएगा तो इग्नोर कर दीजिएगा, उतना नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा करता है सर, समझ गए? ठीक है, अगर व्हाट्सएप में अनइंस्टॉल नहीं किया वैसे ही रखा अगर, तो और मैंने जो उनका मैसेज वगैरह आ रहा है तो उनको इग्नोर किया तो कुछ प्रॉब्लम? ना ना कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा वैसा कोई हाँ मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं लेकिन देखिए होगा? होता क्या है ना कि व्हाट्सएप को आप यदि अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, डेटा रिमूव हो गया है तो जल्दी से कॉल करना बंद कर देगा, 3 4 दिन में सब निपटारा हो जाएगा, नहीं तो ये ठीक क्या है, होगा तो कि आपको यही इरिटेट मतलब होगा मेरा उसको, मेरे नहीं रिलेटिव्स को कॉल या फिर कॉन्टेक्ट ना लिस्ट में ना कॉल किया तो इश्यू है, तो हाँ इशू है वो तो उसको, इश्यू हाँ होगा, फिर कॉन्टेक्ट तो लिस्ट में कितना कॉल भी कुछ भी जाएगा, करने सही दो बात है। चलेगा, मैं तो क्या मतलब चलेगा मेरे को, कितना भी कॉल किया कुछ भी किया तो इट्स फाइन, मतलब कुछ नहीं, और मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट को मतलब प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को वो टेंशन है, मतलब बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए ना, तो पूछ रहा हूँ। कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो ओके रही ओके बात है ओके सर कि रही बात ये चीज़ की व्हाट्सएप क्यों डिलीट करना है, व्हाट्सएप इसलिए आपको रिमूव करना है ताकि आप पर कॉल करना बंद कर दे, नहीं तो ओके ओके बार बार ओके आपसे कांटेक्ट करेगा, बार बार आपको धमकी देगा तो आदमी इरिटेट हो जाता है, समझ गया ना? हाँ तो नहीं नहीं इसी हाँ समझ हाँ रहा एकदम समझ रहा इरिटेट हूँ, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप अनइंस्टॉल कर दे सबसे बढ़िया, 3 4 दिन कर दे, क्या दिक्कत, 3 4 दिन बाद सब चीज़ नहीं नहीं कर निपटारा हो देते, जाए। नहीं मैं तो करने वाला था, मैंने आपको एक बार पूछ लिया, मतलब मैंने वैसा क्या मतलब क्या ना तो प्रॉब्लम कोई हो गया दिक्कत नहीं होगा, मतलब। आपका हो गया है काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर, हो ठीक है ना? गया ना, कुछ टेंशन नहीं ना अभी? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों बात विचार हो गए, इनको बोल दिया, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, समझ गया ना? व्हाट्सएप को आवाज क्या है, नेटवर्क इशू, व्हाट्सएप से ओके। चलिए भाई बात विचार हो गया, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय।